तो इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि हाउ कर्ड इज मेड, यानी कि दही कैसे बनता है। ठीक है, ये तो पता है ना कि दही दूध से बनता है। अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया कि जो दही रहता है ना वो दूध से बनता है। ये है हमारा एक बाउल, इसके अंदर हमने डाल रखा है मिल्क। ठीक है, मिल्क कौन सा कलर का होता है? वाइट। दही कौन सा कलर का होता है? वाइट। ओके, अब क्या करना है, ये जो हमारा मिल्क है ना, हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, वार्म कर लेंगे। ठीक है, बाद में समझेंगे कि हमने गर्म क्यों किया, लेकिन हम कर लेंगे गर्म इसको थोड़ा सा। और फिर इसमें क्या होगा, एक चम्मच हम दही डाल देंगे और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे। सुबह में जब खोलेंगे ना तो देखेंगे कि ये ऐसा हो गया होगा। ये क्या है? ये है कर्ड, यानी कि हमने रखा तो मिल्क था रात में, एक चम्मच दही डाल के, और सुबह में जब खोला तो हमें पूरा की पूरा अब कर्ड दिख रहा है उसके अंदर। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दही रहता है ना, उसके अंदर ये एक बैक्टीरिया रहता है, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये थी हमारी स्पून जिसके अंदर दही था, ये दही में बैक्टीरियाज थे। ठीक है, अब होगा क्या है? ये जैसे दही में बैक्टीरिया है, अब ये एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा और बहुत सारा बनेगा। ऐसे ये सारे मल्टीप्लाई होते जाएंगे और बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे। वैसे ही ये भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होते जाएंगे और बहुत सारे बैक्टीरिया बनते जाएंगे। और ये जो बैक्टीरिया रहेंगे वो क्या करेंगे, पूरे मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे दही में। और हमने जो वॉर्म किया था ना यहाँ पे मिल्क, हमने बोला था कि हम थोड़ा सा कुनकुना दूध लेंगे, वो इसीलिए लेंगे जिससे कि जो प्रोसेस हो रही है ना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने की, ये फास्ट हो जाए। वापस से ये जो नाम है ना बैक्टीरिया का, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो मिल्क रहता है ना वो पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ये खुद को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। डू शेयर, लाइक एंड हिट सब्सक्राइब। ये ना एक्सटेंडेड पार्ट मैं एड ऑन कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली आई वॉन्ट कि जिसने भी अभी ये वीडियो देखी है उसने अगर आज तक कभी कर्ड प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके सिलेबस में ये चीज़ हो, या वो चाहते हैं कि वो देखें, तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप ट्राई करना। इससे क्या होगा, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा किड्स को, फॉर किड्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, वो कभी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। तो इसलिए ट्राई कि आप एक बार उन्हें दिखाएं ये कि कर्ड कैसे कन्वर्ट हुआ है मिल्क कर्ड में, और ख़ुद से भी ट्राई करके देखें जो खुद से कर सकते हैं। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं फिर दूसरी लर्निंग्स के साथ में। बाय बाय।